साल 2019 सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए भी जाना जाएगा। कोर्ट ने दशकों पुराने अयोध्या मंदिर विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने ऐसे ही कई फैसले सुनाए जो इतिहास बन गए। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के साल 2019 में सुनाए गए 5 अहम फैसलों पर। पहला, राम मंदिर पर फैसला। दशकों पुराने अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अयोध्या में विवादित भूमि का कब्जा सरकारी ट्रस्ट को मंदिर बनाने के लिए दे दिया, साथ ही अयोध्या में मस्जिद के लिए भी जमीन आवंटित करने का आदेश दिया। वहीं रामलला को 2.77 एकड़ जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। दूसरा फैसला, आरटीआई के दायरे में आएंगे सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल सीजीआई कार्यालय के आरटीआई के दायरे में आने को लेकर भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि देश के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार के तहत आएगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सुनाया। तीसरा फैसला, राफेल डील में सरकार को क्लीन चिट। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राफेल डील का मामला बड़ा मुद्दा बना। विपक्ष ने इस मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरा। चुनावी सभाओं से लेकर चौक चौराहों और देश विदेश तक इस मामले की चर्चा हुई। राफेल डील का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को करारा झटका लगा। कोर्ट ने राफेल विवाद सौदे को लेकर दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया। चौथा फैसला, कर्नाटक के अयोग्य विधायकों के मामले में फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए 17 बागी विधायकों के मामले में भी अहम फैसला सुनाया। विधानसभा स्पीकर के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को सही बताया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी 17 बागी विधायक उपचुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। कोर्ट ने 2023 तक अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को भी रद्द कर दिया। बता दें, इन विधायकों के बागी हो जाने के बाद जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिर गई थी। बाद में बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में राज्य में सरकार बनाई थी। पांचवा फैसला, सीबीआई वर्सेस सीबीआई विवाद का फैसला। सीबीआई में 2 शीर्ष अधिकारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को बड़ी राहत देते हुए उन्हें काम पर बहाल कर दिया था। बता दें कि आलोक वर्मा ने मोदी सरकार के उनके अधिकार छीनने और जबरन छुट्टी पर भेजने के खिलाफ याचिका दायर की थी। सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच जंग छिड़ी थी। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। न्यूज़ डेस्क।